अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, रोज़ा भी आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जी अब है ये लास्ट रोज़ा, तो ये भागम दौड़ जो है ना, हमारी दौड़ भाग लग रही है, भाग दौड़ जो भी है वो लग रही है हमारी, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और हमें रेसिपी बनानी थी। तो आज जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है, जो हमें मुश्किल पेश आई हैं इस रेसिपी को बनाते हुए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं मिनी पिज़्ज़ास। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट फेवरेट अपने जो है ना, अदरक और लहसुन का पाउडर हमने ऐड किया है ऑयल में, और फिर इसको अच्छे से हमने घुमाया है। घुमाने के बाद हम लोगों ने जो है ना, छोटा सा मीडियम साइज़ का हम लोगों ने प्याज लेना, उसको भरी काट के, और फिर इसके पेस्ट के अंदर जो है हमने बनाया है लहसुन अदरक का, जो हमने मिक्स किया है इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से हिलाना है, इतना घुमाना है कि इसका दिमाग ख़राब हो जाए, पर इसको हमने जलाना नहीं है कि ये हमारी ब्यूटी से जल जाए। तो इसको बस हमने इतना पकाना है कि ये सौते हो जाए, नरम नरम सा हो जाए। फिर इसके बाद हम लोगों ने लेना है चिकन का कीमा, जो कि आप जो है आधा किलो ले सकते हैं या उससे कम, जो आपके पास जितना है उतना आप कर लें। और फिर ये यहाँ पे फ्रीज था, इसलिए हम लोगों ने इसको ढाम के रखना है थोड़ी देर, ताकि ये खुल जाए। तो थोड़ा बहुत ये खुल चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हिलाया जुलाया जाए, इसको होश दिलाया जाए। तो जो है इंग्रेडिएंट्स, वो हम आपको यहाँ मेंशन कर देते हैं, जो जो इसके अंदर डलने हैं वो आप लोग देख लेना इजीली। तो जो ट्रेजेडी है वो कुछ ऐसी हुई थी कि जो बेकिंग है ना, वो बेकिंग करने के लिए ओवन चलाना नहीं हमें आता। वैसे तो बहुत इजी है, वो मुझे आज पता चल गया था बहुत इजी है, तो हमें चलाना नहीं था आता। जो हमारा ब्रदर है ना, जो हमारे बीरू लोग हैं, वो बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, तो उन्होंने आज हमें धोखा दिया। आज वो एंड टाइम पे भाग गए बाहर रफ्तारी करने के लिए, और हमारा फ़ोन भी नहीं थे वो चुक रहे, तो ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो फिर एंड टाइम पर हमें पता चला 6 बजे कि जी वो बाहर रफ्तारी कर रहे हैं। फिर हमें पसूड़ी पड़ गई कि अब हम क्या करें। तो हम लोगों ने पहले ट्राई मारा कि खुद ही कुछ कर लिया जाए, तो हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन हमने सोचा कि आज के दिन हम जन्नत में ही जाएंगे अगर हम फौत हो गए। तो फिर हम लोगों ने ये कोशिश जो है ना अपनी नाकाम कर दी। हमने कहा नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो है ना, ये जो डो है ना, ये हम लोगों ने पहले ही बना ली थी। तो जो रेसिपी है वो इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, डो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जी यहाँ मैं आपको क्या बता रही थी कि फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपको पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। तो ख़ुद भी पहली दफ़ा ट्राई कर रहे थे, तो आपको भी सोचा कि उन्हें शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हमने स्टील का ग्लास लेना है, शार्प एज होते हैं ना इसके, इसलिए इजीली गोल सर्कल कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि सोचा था बेक किए जाए, तो हम लोगों ने ट्रे बहुत अच्छी तरह सेट की थी, तो पर फिर पता चला कि खुद करना है। तो फिर हम लोगों ने लिया है पैन, पैन के अंदर हम लोगों ने जो है ना पैन को जैसा प्री हीट करते हैं वैसे करना है, उसको तेज़ आंच पे गरम करना है पैन को, और फिर उसके बाद इसके ना पिज़्ज़ा रखना है आग जो है ना, उसके बाद जब गरम हो जाए पैन उसको कम कर देना है। जब आपने पैन में इसको रख लेना है, तो आपने साथ साथ चेक करते रहना है, तो आपको पता चलता जाएगा। और फिर जो है ना, बहुत मज़े से बहुत प्यारे प्यारे मिनी से पिज़्ज़ास बन जाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर जो बचा था हम लोगों ने पेड़ा, उसको हमने फिर बड़ा पिज़्ज़ा बनाया। होप्स हो गया आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।